तो सर हम आज बात करेंगे सबसे पहले खान साहब के चाइना विजिट के बारे में, क्या उम्मीदें हैं? और चाइना तो काफी नाराज लग रहा था, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि क्या बात करने के लिए जा रहे हैं और क्या आगे प्रोग्रेस क्या होगी? आरजू, मैं ये कहना चाहूंगा कि गनी साहब जब अमेरिका आए थे तो मुझे अभी याद है कि एक जगह एक टीवी पर बैठ के मैंने कहा था वो अपना रिटायरमेंट पैकेज लेने के लिए आए, और वही हुआ कि वो यहाँ से गए और वो रिटायरमेंट पैकेज लेके पैसे लेके गए, कुछ सेनेटर से मिलके गए, और थोड़े दिनों बाद ही वो दुबई ट्रांसफर हो गया। और वहां पे रशियन डिप्लोमैट ने कहा था वो कि बहुत ज्यादा मिलियंस डॉलर्स कैश लेके गए हैं। खान साहब अब देखें उसी तरह का पैकेज मेरा ख्याल में ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन देखें किस हद तक मिलता है। चाइना नाराज है आपसे, और दूसरा ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या ख्याल है खान साहब, आप जहां जा रहे हैं चाइनीज अखबारें नहीं पढ़ते, टीवी नहीं देखते, आपका जो आपका नंबर जो 140वां आया है ट्रांसपेरेंसी का, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, कि आप करप्शन में आप डूबे हुए हैं बिल्कुल, तो इन हालात में कौन सा बंदा इन्वेस्टमेंट करेगा? मैं बताता हूँ, मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो ऑब्जेक्टिव है खान साहब के वो इन्वेस्टमेंट लेने जाना, उसके बाद वहां पे जो ओलंपिक है वहां पे सारा अमेरिका और यूरोप ने उसका बायकॉट किया है, और आप उनके फ्रेंडशिप के लिए आप चाहते हैं कि हम वहां जाएं और कुछ पैसे मिल जाए, आप वहां पे ओलंपिक में जाएंगे उनको सपोर्ट करने, और सिवाय पैसे लेने के और कुछ भी नहीं है। जिस तरह मैंने कहा है कि आपकी हर पॉलिसी के पीछे डॉलर आप नजर आ रहा होता है और डॉलर के लिए जा रहे हैं, लेकिन चाइनीज को पता है कि आप करप्ट लोग हैं, आपके आपको कोविड के पैसे दिए जाए और आपने 40 अरब रुपया वहां से लूट लिया है। आप क्या समझते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इन चीजों को नहीं देख रही? वॉशिंगटन डीसी में आपकी रिप्यूट, 2-3 नाम जो है वो मुसलसल आपके पाकिस्तान के साथ जुड़े हैं, डबल गेमर और करप्ट, करप्शन और नॉन सीरियस, और ये चीजें बिल्कुल इस वक्त जब तक ये मेरे ख्याल में जिस तरह के हालात है पाकिस्तान के, मैं तो मशवरा खान साहब को दूंगा कि ना जाएं आप, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज जो बनाना रिपब्लिक्स होते हैं वहां के जब प्रीमियर या रूलर जाते हैं तो वापस नहीं आते। लेकिन सर इनको इनको आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इनको चाइना कोई पैसे दे देगा? इसलिए कि चाइना तो उल्टा इनसे मांग रहा है, चाइना तो कह रहा है कि आप हमें इतनी पेमेंट करें, कभी जो दासू डैम मिल जो लोग उनके मारे गए थे कभी उनके नाम पे, चाइना तो देने के मूड में नहीं है। चाइना देने के मूड में नहीं है, लेकिन इन्होंने तैयारी की है, इन्होंने 37 जो रेगुलेशंस हैं उनको रिवर्स किया है चाइनीज सीपैक के काम को जारी करने के लिए। खान साहब ने एक वन विंडो ऑपरेशन एक मजाक और करने की कोशिश की है, और इन्होंने एक और बनाया प्रिंसिपल, एक असूल बनाया कि एवरी 15 डेज प्राइम मिनिस्टर विल बी ब्रीफ्ड ऑन सीपैक्स परफॉर्मेंस। लेकिन खान साहब अब कहते हैं ना कि अब वो दिन गए जब खलील मियां फांसा उड़ाया करते थे, अब मेरे ख्याल में टू लेट, अब ये अगली रेजीम जो आएगी वही इस चीज को डील करेगी। आप अब इस तरह करें, तैयारियां करें कि आप वकीलों की फीसें इकट्ठी करें जो आपके पास ऊपर केसेस बनेंगे, मेरे ख्याल में हो सकता है वकीलों की फीसें लेने जा रहे हो चाइना, ये भी एक सोचा जा सकता है। अब तो वो हालात ये हो रहे हैं कि अब आपका कैंप जो है वो जहाज जब डूबने जाता है तो चूहे जिस तरह भागते हैं उस तरह वो भागने शुरू हो चुके हैं। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से शौकत तरीन साहब जो है वो उड़ने की तैयारियां कर रहे हैं, कोविड का बहाना करके घर में बैठे हुए हैं, उनका क्लैश मैंने आपको शायद पहले भी बताया था आपके गवर्नर स्टेट बैंक के साथ उनका पर्सनल क्लैश है, और उस क्लैश की वजह से आपस में उनकी कोई कम्युनिकेशन नहीं है, और आजकल वो भी जो है वो आपके तैयारियां कर रहे हैं उड़ने के लिए। और एक मेरी और इंफॉर्मेशन है कि इस वक्त नून लीग परेशान है आरजू, के वो समझते हैं कि इतने लोग उनसे रिजू कर रहे हैं, इतने लोगों को वो नून लीग में अकोमोडेट किस तरह करेंगे, ये क्वेश्चन बल्कि इस वक्त चल रहा है, क्योंकि ये मांगे तांगे लोग थे, इलेक्टेबल थे ना, ये पीटीआई के लोग थोड़ी थे, जाहिर है उन्होंने अपनी वापस पार्टियों में जाकर एडजस्ट होना है, उन्होंने नून लीग में एडजस्ट होना है, उन्होंने पीएस पार्टी में एडजस्ट होना है, तो इन दोनों पार्टियों को इस वक्त इशू आ रहा है कि इन लोगों को पीटीआई को हम किस तरह एडजस्ट करेंगे, तो ये इशू चल रहा है। तो इन हालात में खान साहब चाइना जाए चाहे जहां मर्जी जाए, मैं तो अगले दिन एक जगह पे ये भी बात कर रहा था कि एक मिनट के लिए सोचें कि आपके आपके पड़ोसी ने भारत ने S-400 लिया, उन्होंने राइफल त्यारे लिए, लेकिन अगर आपकी चाइना के साथ दुश्मन अगर इंडिया की चाइना के साथ दुश्मनी ना होती तो फिर आपको कोई आपके क्या हालात होने थे? अभी तो आप मैंने सुना है कि आप S-400 को काउंटर कर रहे हैं ड्रोन के जरिए, कभी कहते हैं हम ड्रोन के साथ काउंटर कर लेंगे,
उधर से वो त्यारे आ गए हैं, और चाइना के त्यारे, चाइना तो अपना ढंग का स्मार्टफोन नहीं बना सकता, उनके त्यारे किस तरह उड़ेंगे भाई? बिल्कुल चीज मैं आरजू बल्कि क्वेश्चन मार्क है, आप जहां बैठी हैं या आपके देखने वाले जहां बैठे हैं, एक मिनट जरा नजर दौड़ाएं आपके आसपास चाइना के कितने ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं आप, चाइना की कौन सी ऐसी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो ड्यूरेबल है, चाइना किस चीज के लिए मशहूर है दुनिया में, कॉपी करने के लिए और फ्रॉड में? चाइना और टर्की के साथ, इनके साथ आपके रिलेशनशिप सिर्फ उनके पीछे एक चीज है कि उनके कल्चर में जिस तरह आप करप्शन में डूबे हुए हैं इसी तरह वो करप्ट है, करप्शन इज पार्ट ऑफ चाइनीज कल्चर, आप इसीलिए भाग भाग के चाइना जाते हैं, आप इसीलिए आपकी सारी दौड़ें चाइना लगती हैं, और आपको बल्कि आप मुझे अभी भूलता नहीं है कि पिछली दफा वो प्रेसिडेंट शी ने लफ्ज इस्तेमाल किया था आयरन फ्रेंड, पाकिस्तान इज आयरन फ्रेंड, भाई करप्ट लोगों की, देखे ना करप्ट एक जैसे लोगों के साथ आपकी हम अंगी है, वो भी करप्ट है, आप भी करप्ट है, आप भी कमीशन लेते हैं, वो कमीशन दे के खुश होते हैं आपकी चीजें, लेकिन वो जहां घुसे हैं वो डॉलर बेस अपने इक्तसादी मौशी फायदे के लिए घुसे हैं और अपने ऑब्जेक्टिव हासिल करके निकले हैं। ये मुगालता है, आप लोग इस खुशी में ना रहे कि आपकी वो कहते हैं हमालिया से ऊपर आपकी दोस्ती चढ़ गई है, लेकिन आप ये जो कुछ भी करने वाले हैं, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जो भी फैसले करने वाले हैं, जो सरों पे हाथ रखते हैं, जिस तरह शेख रशीद साहब ने फरमाया था कि हमारे सर पे हाथ था, अब किसी वही हाथ किसी के गिरेबान पे जाएगा, वो जो हाथ रखने वाले लोग हैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि घंटों में मिनटों में फैसले करें। ये जो फजलुर रहमान साहब एक सूबे में जीत चुके हैं और दूसरा पंजाब के अंदर जो TLP का जो चीजें पक रही हैं और जिस तरीके से आपके धमाके अनारकली में और दूसरी चीजें शुरू हो चुकी है, आप जल्दी से जल्दी फैसला करें, दुनिया देख रही है। और दूसरा एक सबसे बड़ी बात मैं समझता हूं कि इस वक्त आपके 25 करोड़ लोग मायूस हैं, गुर्बत में पिस रहे हैं, आपने महंगाई उनके सर पे मारी है, दूसरा खंजर आपकी करप्शन का है, तीसरा खंजर साथ अगर दहशत गर्दी का साथ लगा तो मैं समझता हूं कि आप अगले साल इसी ट्रांसपेरेंसी में आप 180 नंबर पर। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन साथ ही इनके जैसे आपने बात की नून लीग की और आपने कहा इनके साथी छोड़ के भाग रहे हैं, उसमें एक शहजाद अकबर साहब भी हैं जो बड़ा पेपर हिला हिला के बताते थे कि जी मैंने नून लीग के खिलाफ जो है बड़ी चीजें जमा कर ली हैं, और अब उन्होंने खुद ही रिजाइन कर दिया। इसी तरह से इनके कई और लोग भी जा रहे हैं, जिसमें इनके एक नूर आलम खान साहब हैं जिन्होंने कहा था असेंबली में कड़े होके कि सामने की जितनी 3-4 नशिस्तें इनको अगर ECL में डाल दें तो पाकिस्तान संभाला जा सकता है। मैं माई हैड ऑफ टू नूर आलम, मैं समझता हूँ उन्होंने वोकल होके इस दौर में असेंबली के फ्लोर से जो बात कही है ये इसके बगैर हल नहीं है। जब तक जो करंट रजीम के तकरीबन 500 के करीब लोग, जब तक आप ECL में उनको नहीं डालेंगे वो पाकिस्तान के हालात नहीं सुधरेंगे, क्योंकि आपकी अदालतों की भी परफॉर्मेंस आपको पता है, आपकी अकाउंटेबिलिटी नैब का भी आपको पता है, आपके मैं हैरान होता रहता हूं, लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात कही है के, और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने नेशनल फ्लोर से कहा दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। आपके एक वजीर ने कहा था कि शायद हम सऊदी अरेबिया की तरह होते तो हम भी पैसे वसूल करते, तो भाई वो फरिश्ते आएंगे, आपके पास पावर है, आप हुकूमत में बैठे हैं, तो अगर हुकूमती पार्टी अगर यह कहे कि काश हम सऊदी अरेबिया होते तो फिर आपको हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं है। आपका आपके बारे में जो एक बल्कि एक और है, मैं जो एक बात भूल गया हूं कि वॉशिंगटन DC में क्या समझा जाता है, इन्होंने बोल बोल के आपको कहा कि आपकी हाइब्रिड गवर्नमेंट है, आपकी हाइब्रिड गवर्नमेंट है। यहां से वॉशिंगटन DC ने किसी ने CNN पे कहा था कि खान साहब इज अ मेयर ऑफ इस्लामाबाद, बिल्कुल। तो फिर अगर आपका वजीर ये कहे, एक वजीर ये कहे कि काश हम सऊदी अरेबिया होते तो इसका मतलब यू आर पावरलेस, और दूसरा वजीर कह दे अगर कि हम हमारे सरों पे हाथ रखा था तो हम आए थे, तो फिर तो आपका 2018 का इलेक्शन ही मुतनाज़े है, आपके पास तो अखलाकी जवाब ही कोई नहीं है, कि आप तो हाइब्रिड हैं, आप तो किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब वो जो रिप्रेजेंट करने वाले हैं उनके लिए भी अब सवालिया निशान है कि उनको भी इन्होंने बदनाम किया है, आजकल आज की जो करप्शन है ये उनको साथ उनके भी नाम लिए जाएंगे, ये जल्दी से जल्दी इनको करना चाहिए फैसला कि हम कहां जाएंगे, वरना एक जो इंस्टीट्यूशन जो ऑर्गेनाइज्ड है आरजू अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल साइंस, मैंने सारी जिंदगी पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा है, उसमें जब गवर्नमेंट को डिफाइन किया जाता है तो वो कहा जाता है जब गवर्नमेंट जब लोग और सोसाइटी बनी है तो इस हमारे मुआशरे में जो ऑर्गेनाइज पार्टी ऑर्गेनाइज्ड हो यूनिफॉर्म्ड हो
और एक कमांड के अंदर काम करे उसका राइट होता है गवर्नमेंट फॉर्म करने का। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि आपका पाक एक डेवलपिंग कंट्री बनाना रिपब्लिक के अंदर किस पार्टी को किस पार्टी का राइट है गवर्नमेंट फॉर्म करने का, आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे। यूनिफॉर्म में कौन, यूनिफॉर्म कौन है, कमांड लेते हैं, ऑर्गेनाइज्ड है और कमिटेड है। लेकिन सर अभी सर संडे को जो इमरान खान साहब ने लाइव कॉल्स ली थी, मैं वैसे इस तरफ भी थोड़ा सा जाना चाहूंगी, बहुत लोग कह रहे हैं कि लग रहा था जैसे खान साहब रो रहे हैं कि क्या बात है, कि वो लोगों से कह रहे थे कि जी अब मुझे कोई शौक नहीं कि मैं बैठ के जो है ना वो लोगों की बातें सुनूं, उन्होंने वर्ड घटिया यूज किया जो कि बहुत लोगों ने एतराज किया उस पे। मेरा जो उसपे ओपिनियन है कि अपोजिशन को तो वो धमकी दे नहीं सकते, उसकी वजह के मैं समझता हूँ कमजोर तरीन अपोजिशन है इस वक्त पाकिस्तान में बैठी। अगर वो अपने लाने वालों को कह रहे हैं तो ये बिल्कुल इसी तरह मुतरादिफ है कि जिस तरह एक एक बच्चा आवारा बच्चा अपने बाप को कहे कि डैडी अगर मैं घर से भाग गया तो फिर क्या होगा, आपकी दुकान कौन चलाएगा, ये बिल्कुल उसी के मुतरादिफ। खान साहब एक थके हुआ कप्तान, अपनी बातों को अपनी अपनी कॉल में मुतनाजिया कर दिया, पहले कहा जी मैं दो टर्म करूंगा, ये भी टर्म करूंगा, अगली भी करूंगा, और साथ ही ये कह दिया कि अगर मुझे निकाला, वो पहले एक साहब से वो कहते थे कि मुझे क्यों निकाला, अब ये कहा जा रहा है अगर मुझे निकाला, ये उसी मूवी का ये दूसरा पार्ट है, अभी थर्ड पार्ट आएगा। लेकिन ये कि अर्जू मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला, देखिए मैं हमेशा इस, मेरी मादरे मिल्लत है पाकिस्तान और मैं हमेशा उसके लिए दुआ गो हूँ, दर्द बंद हूँ, और जिस तरीके से उसके कपड़े फाड़े जा रहे हैं 74 साल से, उसके लिए मैं खुद मुतासरीन पाकिस्तान मुतासरीन PTI हूँ। लेकिन मेरी हमेशा ये दुआ रही है कि कोई लीडर आए, कोई पाकिस्तानी लीडर आए, ये जो उधारे ओवरसीज इम्पोर्टेड आप लेके जाते हैं ना, इम्पोर्टेड ये नुमाइंदे, इनसे बचाए अल्लाह ताला आपको। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तो या तो टेक्नोक्रेट लेके जाए आप यहां से, तो मैं मानू भाई आप PhD डॉक्टर लेके जा रहे हैं, इकोनॉमिस्ट लेके जा रहे हैं, आप सर्जन लेके जा रहे हैं, तब तो मान, और यहाँ के लल्ले तलल्ले जिनको हम लोग जानते हैं सदियों से, यहाँ सालों से यहाँ बैठे हैं, जिनको यहाँ को नहीं जानता, जो अपने मोहल्ले से काउंसलर का इलेक्शन जीतने की सलाहियत नहीं रखते, आपने उनको झंडों वाली गाड़ियां पकड़ा दी, तो वो क्या करेंगे, वो यही करेंगे ना आपका नंबर 140 पे, वो करप्शन में लदे हुए हैं। मैं हमेशा कंपेरिजन करता हूं आरजू कि कुछ लोग जो लोकल इलेक्शन जीत कर आते हैं उन्हें फिर होता है चले यार हम पार्टी स्विच कर लेंगे लेकिन रहेंगे यही। खान साहब जिन बच्चों को वहां लेकर गए थे उन्हें पता था कि हमें अपने मोहल्ले के किराने की दुकान से सिगरेट उबारे नहीं मिलते, उन्हें पता था कि हम सिर्फ वन वे टिकट पे जाएंगे, उन्होंने इस बेदर्दी के साथ लूटा है कि उन्हें पता था कि हम दोबारा नहीं आ सकते, उन्होंने इतने बेदर्दी से छीला पाकिस्तान को, वो तो नजर आ रहा है। और मजे की बात जो आप बात कर रही है कि ट्रांसपेरेंसी की, ज्यादातर लोगों को अंदाजा नहीं है, आधे लोग कह देंगे जी असद गिलानी साहब जो उस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हेड है पाकिस्तान, कहते हैं जी वो नोमली के साथ मिले हुए हैं, और खुदारा ये इसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्टों को लेकर खान साहब तकरीरें करते थे भाई, नवाज शरीफ से इस्तीफे मांगते थे ये। और दूसरा जो उनके वाइस चेयरमैन है, मैं पर्सनली जानता हूँ जस्टिस नासरा इकबाल को, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ कर रहा था, शी वॉज माई टीचर, हमें टॉर्ट्स पढ़ाती थी, और उनकी बहुत अच्छी रिप्यूट है जुडिशरी के अंदर। और तीसरी बात यह कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तानी थोड़ी है कि पैसे लेकर रिपोर्ट बना देगी आप, उनका हेडक्वार्टर तो है अमेरिका में। लेकिन सर इनका तो ये अंदाज है ना कि अगर खुद पकड़े गए तो कह देंगे कि नहीं जी ये गलत है, और अगर दूसरे के ऊपर है तो कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन खान साहब ने तो बड़े दावे किए थे जी मेरे पास तो बड़ी बहुत एक्सपर्ट्स की टीम है, सब कुछ कहा था, लेकिन सर फॉरेन पॉलिसी भी हमारी फेल है, अफगानिस्तान हमसे नाराज है, इंडिया हमसे नाराज है, चाइना भी अब खफा नजर आ रहा है, अमेरिका भी उसी लिस्ट में आ जाता है, और ये रशिया के साथ बड़े अपने ताल्लुकात बता रहे हैं कि रशियन जो प्रेसिडेंट है उसने मुझे फोन कर दिया, उसने मेरी फोन, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन दूंगा आपको यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा मजेदार कंपैरिजन। आज जरा एक मिनट के लिए सोचें, आप अपने फॉरेन मिनिस्टर का कंपैरिजन आपके भारत के फॉरेन मिनिस्टर के साथ करें, कुरैशी साहब वर्सेस जयशंकर, जरा लगाए उसको, कुरैशी साहब इज इंटरेस्टेड इन मुल्तान पॉलिटिक्स, कुरैशी साहब इज इंटरेस्टेड टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर, कुरैशी साहब इंटरेस्टेड इन टू बिकम फॉरेन मिनिस्टर, जयशंकर की प्रायोरिटी क्या है? देखिए गौर करें कि उसने प्राइम मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश, उसकी ख्वाहिश चीफ मिनिस्टर बनने की जयशंकर। फिर आपके मैं कंपैरिजन अगले दिन कर रहा था, आप जिस तरह आपकी PIA के हालात है वही हालात आपके फॉरन ऑफिस के, आपके फॉरन मिनिस्ट्री के, आप जरा देखें आपका यहां अमेरिका के अंदर एम्बेसडर जो आ रहा है उसके क्या हालात हो रहे हैं।
सर आपने कभी देखा है कि किसी फॉरेन ऑफिस के अंदर, इंडियन फॉरेन ऑफिस के अंदर जो है कोई टिकटॉकर चला गया और उसने जाके वहां पे वीडियो बना लियो? हमारे यहाँ ही होता है इस तरह के काम। आपकी पूरी कैबिनेट जो है वो तो हरीम शाह के फोन के अंदर कहते हैं ना कि वो जादूगर की जान मैना के पिंजरे मैना में होती। आपकी पूरी कैबिनेट की इज्जत आबरू जो है वो तो एक खातून के फोन के अंदर मौजूद है, और उसने उसका मुजाहरा किया अगले दिन लंदन में बैठ के। बिल्कुल, उसने कहा है, उसने कहा जाओ पहले शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ो, मुझे तो तुम हाथ में नहीं लगा सकते हो, ये पैसे पड़े मैं लेके आई हूं। फैट ऑफ जब आपके ऊपर आपके 27 में से 26 आपने शर्तें मानी हैं, लेकिन ये देखिए हरीम शाह की शर्त कौन मानेगा? किस मुंह के साथ फैट ऑफ में जाएंगे आप? तो ये देखिए, ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो आप बोएंगे वही काटेंगे। जिस तरीके से आपने ये बोए हैं आप बातें, 3.5 साल इन्होंने इसी चीज पे लगा दिया कि ये चोर थे, पिछले लूट गए। देखिए अब तो वो जवाद साहब, उन्होंने पूरे का पूरा उन्होंने कपड़े उतार के रख दिए। उन्होंने कहा ये खान साहब के सामने बोलना तो इम्पॉसिबल है, खान साहब को तो एक बात बतानी, इनके जो आसपास लोग हैं वो तो इज्जत माप जो है मौलिया दौर के दरबार के अंदर वो तो कोई बात बता ही नहीं सकते। अगर उन पर तनकीद की जाए उनको फौरन निकाल दिया जाता है। नहीं सर, हम सर आप फॉरेन, हमारे फॉरेन मिनिस्टर की बात कर रहे थे, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ। सर हम तो उनमें, मेरा नहीं ख्याल कि हम कहीं से भी उनके साथ कोई कंपेयर कर सकते हैं, ना उनकी फौज में से कभी हमने देखा कि उनके कोई आर्मी चीफ या कोई भी उनके फौज के जो आला उदों पर होते हैं, हमने नहीं देखा कि उनके कोई कॉर्नर के प्लॉट निकल रहे हो, उन्होंने कोई DHA बनाया हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, उनके बाहर कंट्री में कोई आईलैंड निकल आया हो। हमारे तो मतलब जो निकलता है वो एक अलग ही डॉलर भी आपका 200 का है और आप 200 के करीब ही जाना चाहते हैं करप्शन में भी। सर मैं समझता हूँ ये जो आपके डिसीजन मेकर हैं ये क्या सोचते होंगे, क्या इनकी क्या सोचे हैं, क्या मॉरल्स हैं इनके? हर चीज का तो इंडिया के साथ कंपैरिजन करते हैं, इस चीज का भी कंपैरिजन करें कि वो 85 नंबर पर है करप्शन में, आपका 140वां नंबर है, इस पे कोई कंपैरिजन नहीं है। वो तैयारे लें फौरन, आपने कुछ ना कुछ कहीं से कुछ चाहे चोरी करके मांग के लें, मिनते करें, ये तो आपको हालात में तैयारे जो दिए चाइना ने, पता नहीं चलने भी नहीं चलने वो। लेकिन अगर भी सोचे कि अगर चाइना की दुश्मनी इंडिया के साथ ना होती तो फिर क्या करना था? वो तो उन्होंने इंडिया के साथ दुश्मनी में तैयारी दी है आप। बिल्कुल, और चाइना चाइना दोस्त नहीं है सर। चाइना दोस्त होता तो दोस्त पैसे अगर देते हैं या कर्जा देते हैं तो इस तरह से पूरा पूरी कंट्री को जो है ना वो गिरवी नहीं रख लेते कि जी ये एयरपोर्ट भी ले लो, तो मोटरवे भी ले लो, बिल्डिंग्स भी ले लो। मैं यहाँ पे वॉशिंगटन DC में मुझे एक डिप्लोमेट जो थे, एम्बेसडर थे, एक्स एम्बेसडर थे अमेरिकन, यहाँ पे एक दफा मिले ऑफ द रेकॉर्ड। उन्होंने मुझे कहा 2016-2017 की बात, उन्होंने कहा यार प्लीज अपने पाकिस्तानी दोस्तों को समझाओ कि अमेरिका जब भी देता है ग्रांट देता है, एड देता है, चाइना जब भी देता है वो लोन इस टर्म्स पे देता है कि आप अपने लोगों को बताने के काबिल भी नहीं होते। बिल्कुल उनकी बात ठीक थी। कभी इन्होंने डिस्क्लोज किया चाइना की डीलें? इन्होंने सवाल ही नहीं पैदा होता। बल्कि सबसे बड़ी बात, मैं हिस्ट्री चाइना की पढ़ रहा था, उन्होंने एक उनकी आर्मी बेस है अफ्रीका में जबूती, और दूसरा जिस तरीके से श्रीलंका में घुसे और वहां पे करप्शन में उन्होंने क्या किया है, दूसरे कई ममालिक में जो उन्होंने अपने कर्जे दिए या प्रोजेक्ट बनाए हैं किस तरीके से वो टेक ओवर करते हैं। मैं हैरान हो गया हूँ कि वहां की जो करप्ट रजीम है, जिस तरह पाकिस्तान में जिस तरह मैंने देखा था कई लोगों को प्राइवेट फर्मों को कर्जे दे देते हैं, जो आपके पॉलिटिशियन या स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं उनके रिश्तेदारों के जरिए बोगस कॉर्पोरेशन बनाई जाती हैं, उनको कर्जे दिए जाते हैं जो कि डिस्क्लोज नहीं किए जाते। मेरा करप्शन है ना, करप्शन में आप भी खुश हैं, चाइना भी खुश है, उनके भी वो भी करप्शन में ऊपर वाले नंबरों में, वो भी आप भी खुश हैं। लेकिन सर देखिएगा, जब भी गवर्नमेंट जाएगी इमरान खान साहब की, उसके बाद इमरान खान के ऊपर भी बहुत से करप्शन के केसेस निकलेंगे। ऑफ कोर्स, वो तो देखे ना आज वो क्या नाम है उनका जो जियो के हैं, वो जो इनके बहुत बड़े सपोर्टर थे, कराची के एंकर हैं, जो आज उन्होंने कहा है कि मैं आगे इनके करप्शन के ऊपर जो है उनके केसेस निकालूंगा। लेकिन अफसोस की बात यह है आरसू, केसेस तो आएंगे, केसेस तो पहले भी मौजूद थे। देखें आपके कहीं 139 पे थे जरदारी दौर में आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, लेकिन उसका हल कोई नहीं। अदालत देखे ना,
आप मैं एक आपसे कहूंगा, आप एक हाई कोर्ट के जज की जरा अपॉइंटमेंट का प्रोसेस देखिए। आप मैं आपकी आवाम को एक फूड फॉर थॉट दूंगा, राणा शमीम साहब जो बिल्तिस्तान के चीफ जस्टिस रहे हैं, उनकी अपॉइंटमेंट देखिए किस तरह हुई थी, उसके क्या सियासी अवामल थे, वो किस किस को फेवर देकर हाईकोर्ट के सिंध हाईकोर्ट में अपॉइंट हुए थे। फिर वही लोग आगे आते हैं, वही फिर इनकी फेवरें वापस देते हैं। केस बनाना मसला नहीं होता, सजा देना मसला, केस तुम्हें वापस ले लेते हैं। ये मुझे सर सजा तो किसी को नहीं होती अभी तक, हमने तो नहीं देखा करप्शन पे किसी को सजा हुई हो। आप इसकी बात देखिए, आप फॉरेन फंडिंग में केस देखिए, फॉरेन फंडिंग के केस पे किस तरीके से उसको इल्तवा किया गया, डिले किया गया, पूरा चार साल अपना पूरा कर लिया, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं सामने आ रहा। और सर इसी तरह से फैसल वावड़ा के केस का फैसला सामने नहीं आ रहा, कब से चल रहा फैसल वावड़ा, उसने नेशनलिटी फॉरेन रखी है, उसके ऊपर कोई केस है बस। तो ये केस बनाना तो कुछ भी नहीं ना, केसेस तो सौ सौ केस बना के बैठे हैं वो तो एक हमें। दूसरी बात ये आपके जो अभी उन्होंने जिन्होंने रिजाइन दिया है, केसेस तो उन्होंने बहुत बनाए थे लेकिन कोर्ट में ये भी चीज प्रूव नहीं कर सके, शहजाद अकबर तो उसमें ये कहना था कि केसेस तो इनके ऊपर बनेंगे, केसेस तो होंगे, केसेस इनके जाने के बाद क्या बनेंगे। 140 अरब 120 अरब रुपया जो वजीर आजम के कोविड फंड से निकला है वो तो आज भी निकल चुका है ना, लेकिन ये कि किसी को अखलाकी जवाब, किसी के पास कुछ हो तो कुछ जवाब दे, और वो भी अकाउंटेंट जनरल ने रिपोर्ट में भी लिखा है, वो भी IMF की कंडीशन की वजह से सामने आ गए, वरना तो पी जाना था उन्होंने। 100 अरब रुपया पी जाते हैं आराम के साथ, और कहते हैं ना डकार भी नहीं मारते। देखिए हमने करोड़ों की करप्शन देखी थी, अरबों की नहीं देखी थी, और ऐसे बच्चे कर रहे हैं जिनकी अभी दाढ़ी मूछे भी नहीं पूरी आई कसम से। सर घर में सीखा होगा ना, बड़ों को करते देखा होगा तो सीख गए होंगे जल्दी। लेकिन सर हम अगर बात करें यूक्रेन की और अमेरिका रशिया की, जो आजकल बड़ी न्यूज चल रही है, बार बार अपडेट्स आ रही हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए यूक्रेन के अंदर जो सबसे बड़ा मसला ये है, मैं समझता हूँ मैं ब्लेम करूंगा अमेरिका को, अमेरिका का कमजोर होना पूरी दुनिया का बैलेंस खराब हो चुका है। इसका उसकी मैं मिसाल देना चाहूंगा कि ये बराक ओबामा दौर में यूक्रेन का हिस्सा था क्रीमिया, क्रीमिया को रशिया ने टेक ओवर कर लिया था, बराक ओबामा साहब बस देखते ही रहे, और इस वक्त अमेरिका में समझा जाता है ये बराक ओबामा की थर्ड टर्म चल रही है। उसकी वजह ये है कि हमारे जो सिटिंग प्रेसिडेंट है उन बेचारों की तो सेहत, उनकी एज इतनी ज्यादा ज़हीफ़ है वो, कि उनको पता ही नहीं है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ या सेनेटर हूँ। तो यहाँ पे इस वक्त जो ओबामा दौर के लोग थे वो सारा वॉशिंगटन DC वो कंट्रोल करके चला रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल है टोनी ब्लिंकन की। टोनी ब्लिंकन ओबामा के एडवाइजर थे, ईरान की जो डील अमेरिका के साथ ओबामा की हुई थी इसके मौजूद हुई थी। तो इस पे ओबामा साहब की वीक फॉरेन पॉलिसी और इनके माइंड सेट को पुतिन जैसे मंझे हुए लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, चाइना ने भी कैलकुलेट कर लिया था कि इनकी प्रायोरिटी अमेरिका के अंदर सोशलिज्म है, ये फॉरेन अपनी पॉलिसी पे दे आर नॉट सीरियस। दूसरा अगर देखा जाए फंडामेंटल डिफरेंस इन बिटवीन रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी, जो डिफेंस है जो पेंटागन है वो रिपब्लिकन पार्टी उसको स्ट्रॉन्ग करती है, आर्मी को सपोर्ट रिपब्लिकन पार्टी करती है, डेमोक्रेट पार्टी डिफेंस के ऊपर खर्चा नहीं करना चाहती, वो देखे इन्वायरमेंट के खिलाफ जाते हैं, गैस पेट्रोल की प्राइसें बढ़ जाती हैं, वो अपनी प्रायोरिटी पे जाते हैं सोशलिज्म की तरफ, वो फौज और इन चीजों में नहीं गए होते डेमोक्रेट पार्टी, और आज भी वही इस वक्त आधे कंट्री को वही रूल कर रहे हैं। तो इन हालात में उनको पता था पुतिन को कि ये मर्दे बीमार हैं और इसका फायदा उठाएं, और वो उठा रहे हैं। यूक्रेन इस वक्त 127,000 फौजी बॉर्डर पे यूक्रेन की, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं बीमार प्रेसिडेंट साहब, इन्होंने इस साल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें एक ऐसी स्टेटमेंट फेंकी है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम इन्वेजन अगर रशिया करता है तो हम कैलकुलेट करेंगे कि कितनी बड़ी इन्वेजन करता है। अब हालात ये हैं कि ये भी इमरान खान के लगता है अजीज हैं, हमारे प्रेसिडेंट भी वो इस तरह कि जिस तरीके से ये भागे थे अफगानिस्तान से बेआबरू होके निकले वहां से, अब इस वक्त इनका दुनिया में ना फॉरेन पॉलिसी है कोई रिस्पेक्ट रह चुकी है, ना इनकी कोई इज्जत रह चुकी है। उसकी आज मैं आखिरी मिसाल ये देना चाहूंगा, आज की खबर ये है कि फ्रांस और जर्मनी और यूक्रेन ये तीनों कंट्री मिलकर रशिया से बात कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा क्या होगा अमेरिका के मुंह पे थप्पड़ कि आपके एलाइज डायरेक्ट रशिया के साथ एंगेज हो रहे हैं क्योंकि आपकी आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, आपकी सलाहियत लीडरशिप की नहीं है। तो ये हालात है करंट, और मेरे ख्याल में
यूक्रेन यूक्रेन के अंदर रशिया अपनी वहां कू करने में भी काफी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहां पे उन्होंने एक यूक्रेन के एमपी को तैयार किया है नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने के लिए। यूक्रेन के अंदर रशिया की बहुत ज्यादा सपोर्ट हासिल है, कई कई जो यूक्रेन के शहरी हैं वो रशिया के साथ जाने के लिए दे आर इंटरेस्टेड इन। और दूसरा अमेरिका जो है वो बिल्कुल इस वक्त किसी भी, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की सलाहियत नहीं रखता, किसी एलाय अपने नेटो एलाय या किसी दूसरे को प्रोटेक्ट किस तरह करेगा। जिस तरीके से वो अफगानिस्तान से भागे हैं, ऐसे लोगों से शिकस्त खा के निकले हैं जो मोटरसाइकिलों में फिर रहे हैं। और दूसरा मजाक इनका उड़ाया जा रहा है ताइवान में, इन्होंने अगले दिन फिलिपीन के एरिया में नेवल एक्सरसाइज की है, उसके बाद 35 चाइनीज जेट जो है उड़े हैं जो ताइवान के ऊपर गए। तो इस वक्त दुनिया का बैलेंस ऑफ पावर खराब हो चुका है और उसका दूसरे कंट्रीज जो है उसका फायदा उठा रहे हैं। ये तब तक होता रहेगा जब तक अमेरिका के अंदर लीडरशिप का वैक्यूम फिल नहीं। बिल्कुल ठीक, लेकिन सर दुनिया कहाँ से कहाँ जो है वो जा रही है और क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में वही बातें चल रही होती हैं, उसी किस्म की गवर्नमेंट्स आ रही होती हैं जैसी पहले थी, बल्कि उससे भी ज्यादा बद से बदतर होता चला जा रहा है। लास्ट में भी कुछ उम्मीद है आपको कि कुछ संभाला जा सके? देखिए ऐसी बात नहीं है, देखें जिस तरह आप पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टियां दुबई में है लंदन में है, तरक्की तो ये भी कर रहे हैं, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा लेकिन पाकिस्तानी तो तरक्की कर रहे हैं। वहां से जो पैसा निकल के आ रहा है वो सारा कनाडा में शिफ्ट हो रहा है, अमेरिका में शिफ्ट हो रहा है, अल्टीमेटली वो भी पाकिस्तान ही है। हाँ पाकिस्तान के हालात हैं इसमें अभी इस वक्त मेरा ये, ना सिर्फ मुझे, 25 करोड़ लोगों को कोई इस वक्त लीडर नजर नहीं आ रहा। वो मरदे मोमन मरदे मुजाहिद जो पाकिस्तानी हो, जिसके बच्चे पाकिस्तानी स्कूलों में पढ़ते हो, पाकिस्तान का लिबास पहनता हो, पाकिस्तान का खाना खाता हो, पाकिस्तान के ख्वाब देखता हो। अभी मैं आपके लोगों के, अपने मुर्शिद बादशाह हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, लाखों के सूट पहन के बैठते हैं सफीरों के सामने, करोड़ों की घड़ियां पहनते हैं, लश लश करते हैं। मेरा मतलब इस वक्त देखें जब फ्लीट निकलता है तो कितने अरबों की घड़ियां भागती हैं, इनमें मुझे लीडरशिप नजर नहीं आता। ये सारे बेचारे इंपोर्टेड आपके वजीर हैं, इंपोर्टेड मशीर हैं, इनकी अपनी आमदनी डॉलरों पाउंडों में है, कपड़े पहनते हैं गुची और प्राडो के, मेरा मतलब घड़ियां पहनते हैं रोलेक्स की, गाड़ियां मर्सिडीज और BMW। इनको क्या पता है पाकिस्तान का एक गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह 16 से 20 हजार है, वो सुबह की खाता है शाम को। मैं एक आखिरी इल्तिजा आपके प्रोग्राम के हवाले से करूंगा, खान साहब ने अगले दिन अपने टीवी वाले जो सेगमेंट किया, एक ड्रामा किया है, खान साहब आपने बड़े हवाले दिए वर्ल्ड बैंक के, आपने बड़े हवाले दिए ब्लूमबर्ग के, खुदा रहा किसी दिन अपने वजीर आजम हाउस के चौकीदार से पूछे कि तुम महीना किस तरह गुजार, अपने किसी माली से पूछे, किसी दिन अपारा मार्केट में गाड़ी ऐसे ही रैंडमली रोक के किसी मोटरसाइकिल वाले को रोक के पूछ लें कि तुम बेटा तुम अब गुजारा किस तरह कर रहे हो, आपको तारे ना नजर आ जाए तो मैं गारंटी देता हूं उनकी चीखें वाशिंगटन DC तक हमारे जैसे लोग सुन रहे हैं। हम सुबह शाम खून के आंसू रो रहे हैं खान साहब, जिनको मुहाजिर करके आपने निकाला है, एक दूसरे मुल्क की तरक्की का बायस बन रहे हैं जाके, क्योंकि हम हमारा अपना मुल्क कोई नहीं, मुहाजिर है। मैं 2 पोस्ट में जो डिग्रियां आज लेकर पाकिस्तान जाऊं, मुझे चपड़ासी कोई ना रखे। तो ये जिस मुल्क के अंदर, आखिरी बात, आरजू जिस मुल्क में इंसाफ की तहरीक खत्म हो जाए उसका क्या मुस्तकबिल होगा, क्या मुस्तकबिल? ये तहरीक इंसाफ थी ना, इंसाफ की तहरीक थी ये, इसने क्या किया, इंसाफ दिया इसने? 30 किलोमीटर के फासले पे हमारे अमीरुल मोमिनीन सो रहे थे और 30 किलोमीटर के फासले पे 8 बच्चे 22 बच्चे मरे के। How dare you sleep in that राजधानी के अंदर, आप हमारे अकबर बादशाह सो रहे थे अपने। लेकिन सर लास्ट में एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहूंगी जाते जाते कि बिल्कुल गवर्नमेंट को लोग कहते हैं और कहना भी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पे एस्टेब्लिशमेंट लेकर आती है, एस्टेब्लिशमेंट मतलब फौज हमारी जो है वो गवर्नमेंट बनाती है, वही गवर्नमेंट चलाती है, पहले मार्शल लॉ लगता था अब पीछे से सारे काम होते हैं, ऐसी जगह पे पॉलिटिशियन को ही सारा इल्जाम देना क्या सही है? जब तक फौज अपने काम से काम नहीं रखेगी, इंटरफेयर करती रहेगी मुल्क के अंदर सियासत में, तो आपका नहीं ख्याल यही हाल रहेगा मुल्क का? आरजू ये आज की एक्सरसाइज नहीं, ये 60s से शुरू हुआ था। मैंने आपको एक दफा अर्ज की थी, हमारे कायदे आजम साहब ने तो बेचारों ने पाकिस्तान बनाया था। आज के पाकिस्तान के जो कायद हैं, जो मूजद हैं, वो सिकंदर मिर्जा थे और यूब खान थे।
भूटो साहब उससे पहले देखे तो वो भी शर्मिंदगी थी, सारी शर्मिंदगी, मैंने बड़ी हिस्ट्री की किताबें पढ़ी वो भी शर्मिंदगी थी। लेकिन ये जो बैरिया टाउन के मौजूद और ये हमारा पाकिस्तान है इसके मौजूद अयूब खान और सिकंदर मिर्जा थे, आप जरा देखें नोट करें, भुट्टो साहब से लेकर आज तक हर सियासतदान इन्होंने ट्रेन किया, इनकी गोल से तैयार होकर निकला। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन होगा, थे तो पाकिस्तानी, इनमें से कोई फ्रेंच नजर आता है आपको, इनमें से कोई ब्लू नजर आंखों वाला आपको आयरिश नजर आता है, आप जिस आर्मी की बात करें वो भी पाकिस्तानी, कभी पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं सोचा इन्होंने, कहना फिर जनाफ। मेरा ये क्वेश्चन है, जो भी है चाहे जो कुछ भी है, थे तो पाकिस्तानी। मैं यहां वॉशिंगटन डीसी में, मैं पाकिस्तानी अमेरिकन हूं, अगर मुझे तकलीफ है इस चीज की, मेरे दुख है, मैं यहां चीख रहा हूं, इनका इनका कोई जमीर नहीं है। मेरा ये क्वेश्चन है, आज भी मैं कहता हूं जो हाइब्रिड सिस्टम है, हाइब्रिड सिस्टम बनाने वाले भी तो पाकिस्तानी है, नेशनलिज्म किधर गया, कौन बचाएगा? सर ये किसी से नहीं सीख सकते, कम से कम बांग्लादेश से सीख लें, बांग्लादेश ने फौज को उस जगह भेजा है बैरिकों में जहां उन्हें होना चाहिए, मुल्लाओं को उधर भेजा जहां उन्हें होना चाहिए, अपने मस्जिदों में बैठे हैं और अपने साइड पे काम कर, ये इंटरफेयर जो आ जाते हैं ना सब तरफ से, उससे मुल्क खराब हो रहा है। आपका एक अलायंस है, मैं आपकी हुकूमत नहीं, इनको हुकूमत या सिस्टम नहीं कहता, ये करप्शन का एक अलायंस है, इसमें इस हमाम में सब नंगे हैं और उनमें सिर्फ दो चीजें नहीं है, एक नेशनलिज्म नहीं है और खौफ खुदा नहीं, खौफ खुदा नहीं। उसकी वजह ये है, ये एक आपकी, चाहे आप ब्यूरोक्रेसी ले लें, चाहे एस्टेब्लिशमेंट ले लें, चाहे सियासतदान ले लें, करप्शन करनी है, अपनी मादरे मिल्लत के कपड़े फाड़ने हैं, अब यहां से भागना है कनाडा, और ये सलूशन नहीं है जानी, मैं यहां आग बड़े अरसे से आगे बैठा हूं, यहां भी जब तक औलाद को रिज़्क़े हलाल नहीं खिलाओगे वो आगे ड्रग्स लेंगे, वो आगे सारा कुछ यही करेंगे। इक्तफा करो, अपना ईमान ठीक करो, कैनेडियन सिटीजनशिप, ब्रिटिश सिटीजनशिप इज नॉट अ सलूशन, इज नॉट अ सलूशन, करैक्टर बिल्ड। खान साहब 3 फरवरी को, यानी 3 फरवरी को वो जा रहे हैं चाइना, और चाइना क्यों जा रहे हैं ये भी बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा कि क्यों जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि पुराने जो लिए थे वो माफ करवाने हैं और नए के लिए रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करानी है, खैर और भी स्ट्रेटेजिक लेवल की भी चीजें हैं, सीपैक के हवाले से भी चाइना के गिले शिकवे रहे हैं पिछले कई सालों से, और वो आपको पता है कि वो आर्मी चीफ से, उनके एम्बेसडर और बाकी लोग वक्तन फोक्तन मुलाकातें कर रहे थे, लेकिन अब खान साहब जो है खुद जाएंगे तो मेरे ख्याल से वहाँ की जो गवर्नमेंट है तो मेरे ख्याल खान साहब को खुद ही वो फिर थोड़ा बहुत समझा बुझा कर और भेज देंगे। लेकिन फाइनेंशियली इस वक्त जो क्राइसिस है उस हवाले से भी यकीनन बात होगी, सिपेक के हवाले से भी बिल्कुल बात होगी, बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उसके हवाले से और स्पेशली उसके सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन मसला ये है कि खान साहब के साथ अगर वो बात हो भी जाए तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि जब तक बाजवा साहब से वो बात ना हो जाए तो खान साहब से आप बेशक सुबह दोपहर शाम भी कर लें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। खैर तफसील में जाएंगे कि खान साहब क्या करने जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, और काफी लंबे अरसे के बाद एक विजिट है उनका चाइना का, इन सारी चीजों पे और क्या क्या मतलब उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है खान साहब से, इन सारी चीजों पे बात करेंगे। उस डिटेल में जाने से पहले आपसे कहूंगा जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं इमरान खान साहब के चाइना विजिट के ऊपर, अभी तो कुछ दिन बाकी है उनके जाने में, लेकिन फिर भी क्योंकि तैयारियां हैं, बाजवा साहब की 2-3 मुलाकातें सिर्फ इसीलिए हुई है कि चाइना का विजिट आ रहा है। इसके साथ साथ कैबिनेट की भी मीटिंग्स, तकरीबन हर दूसरे दिन मीटिंग होती है कि चाइना का दौरा है तो क्या करना है। लेकिन बात वैसे एक है, बेशक जितनी मर्जी तैयारी की जाए लेकिन खान साहब ने वही करना है जो उन्होंने सोच के, मतलब या बगैर सोचे बल्कि मैं कहूंगा कि वो कुछ भी बोल के आ जाते हैं, हम देखते रहते हैं यहाँ पर भी, बल्कि उस दिन पता नहीं कौन बता रहा था कि यार वो फॉरेन ऑफिस वाले कहते हैं कि हम उनको कोई मतलब पॉइंट्स लिख के दे देते लेकिन वो साइड पे रख लेते हैं और फिर मतलब
कहीं वो कहीं और ही निकल जाते हैं, मतलब जो जो बात उन्होंने करनी होती है उससे वो कहीं और निकल जाते हैं। तो यकीनन चाइना के लिए जितना मर्जी बाजवा साहब उनको समझा दे कि बच्चा जरा आराम से, ये वाली बात करनी है, ये वाली बात करनी है, वो वाली बात करनी है, लेकिन क्योंकि और बहुत सारे मसाइल हैं, ज़हनी मसले हैं खान साहब के, जिसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उनके साथ ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो वो फिर वहाँ पे ये वक्त ही डिसाइड करेगा कि यार क्या वो बोलेंगे। लेकिन खैर इस वक्त असल मसला है रोकड़े का, पैसे का मसला है। IMF से पैसे तो चलो हम बड़ा मुश्किल से, मतलब थोड़े थोड़े करके हम पैसे ले रहे हैं उनसे, लेकिन गुजारा उससे नहीं हो रहा, वो पैसे इतने नहीं है कि उससे आप मुल्क को चला सके। तो खान साहब ने कहा कि यार क्यों ना पुराने जो हमारे दोस्त हैं उनके दरवाजे को क्यों ना खटखटाया जाए। लेकिन क्योंकि अब मसला ये हुआ है कि हमारे जो पुराने दोस्त हैं, पुराने में इसलिए कह रहा हूँ कि पहले ही हमें इस तरह के मुश्किल हालात में ये हमें हेल्प करते रहे हैं, चाइना भी करता रहा, सऊदी अरेबिया ने हमें काफ़ी किया, लेकिन अब उन्होंने भी कहा कि नहीं भाई इस तरह नहीं होता भाई, आप अपना कोई काम धंधा करते कोई नहीं हो और आ जाते हो चलो जी $1 अरब दे दो, $2 अरब दे दो, $3 अरब दे दो, हम अरब तो दे सकते हैं लेकिन $1 अरब नहीं दे सकते, यानी $1 बिलियन नहीं दे सकते। ये चीज़ें अब हो रही हैं क्योंकि जो चाइना से हम पहले पैसे पकड़े हुए हैं गालिबन $4 अरब के आसपास, तो उनका जो उसका जो टाइम है वो डीव है, अभी उसमें से शायद 1 बिलियन हमने उनको वापस करना है, तो उसका टाइम पूरे हो, जब भी टाइम पूरा होता है इस तरह तो फिर हम नई एक रिक्वेस्ट लेके चले जाते हैं और वहाँ पे जो है उनको कह देते हैं कि सर मसला ये है कि आपने हमें बिल्कुल पैसे दिए हुए हैं, हम भी इधर ही हैं और आपने भी कोई मतलब सामान उठाकर कहीं और तो जाना नहीं है, चाइना भी इधर है, पाकिस्तान भी इधर है, तो पैसे तो इस वक्त नहीं है हमारे पास, ऐसा करते हैं कि इसको भी रोक लेते हैं और कुछ नया अगर आप हमें दे दें तो हम चलो कुछ ना कुछ गुजारा चला लेंगे। लेकिन मसला ये हो रहा है कि खान साहब को अब काफ़ी मशहूर हो गए, बल्कि उनके जो अपोजिशन के लोग हैं अब उन्होंने भी उसका वही नाम रख लिया जो हमारे कुछ इंडियन दोस्त उनको बोलते हैं, मैं नहीं बोलूंगा यहाँ पर बिल्कुल भी, तो ये वाले अलकाबात से अब उनको याद किया जाता है कि यार वो दुनिया में जाते हैं और एक्सपर्ट हो गए मतलब मांगने के। हालांकि अगर यही मेहनत जो वो पैसा मांगने पे या फिर मतलब देख लेते कि अभी तुर्की से अगर कुछ हो सकता है, मलेशिया से, हालांकि वो नहीं देते पैसे बिल्कुल भी, वो अब उधर जाना वाना छोड़ दिया खान साहब ने, उनको पता है कि चलो चाइना से कुछ ना कुछ निकल सकता है और चाइना इसीलिए देता है, एक तो सीपेक है उनका यहाँ पर, सेकेंडली उनको पता है कि यार कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर ये वाले पैसे हमें ये नहीं देंगे तो फिर हम उसको कैप्चर कर लेंगे और वो हमारे वो एसेट जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगे, ये एक मसला है। अब खान साहब ने जाना है क्योंकि 3.5 सालों से सीपेक के ऊपर काम नहीं हुआ और अब ये बात जिसे कहते हैं कि जुबान जद आम है, अब ये बिल्कुल हर कोई कर रहा है, शुरू में मैं मेरे जैसे और बहुत सारे लोग ये बात किया करते थे तो कहते थे कि यार ये लोग एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा एक फ्यूचर है पाकिस्तान का, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है $60 बिलियन का, तो उसके ऊपर ये झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेट कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने किसी से शायद पैसा पकड़ा हुआ है, तो इस वजह से इस तरह की ये लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन अब ये बात सब ने एक्सेप्ट कर लिए कि बिल्कुल ऐसा हुआ है, चाइना तो कह रहा है, चाइना तो क्योंकि वहां तो मीडिया एक और तरीके से चलता है पाकिस्तान की तरह या हिंदुस्तान की तरह या बाकी कंट्रीज की तरह, वहां मीडिया नहीं चलता तो इस वजह से वहां से तो खबर नहीं आती, लेकिन यहाँ पे बात होती है। और दूसरी नाराजगी वाली बात, मतलब नाराजगी इतनी कि उनका कोई डेलीगेशन नहीं आ रहा, उनकी जो हमारी 2018 में एक मीटिंग होती है चाइना पाकिस्तान की और मुख्तलिफ मिनिस्टर जो इससे रिलेटेड हैं, वो मीटिंग हमारी 2 से 2.5 साल नहीं हुई, कहा यह गया कि यार कोविड है, लेकिन कोविड के दौरान भी मतलब जूम के ऊपर मुख्तलिफ जो तरीक़ाकार हैं उस पर लोगों की मीटिंग्स होती रही हैं, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि लोग फिज़िकली वहाँ पर जाते थे, लेकिन अपने अपने कंट्री से अपने अपने ऑफिस से बैठ कर और चीज़ों को डिस्कस करते थे, वो किसी भी थ्रू हो सकता है, आजकल मतलब डिजिटल वर्ल्ड है और हर चीज़ मुमकिन है, हर फैसिलिटी अवेलेबल है, तो ऐसा नहीं है कि अगर फिज़िकली कोई नहीं जाएगा तो वो चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन
क्योंकि हालात ऐसे हो गए थे, इस नहज पे पहुंच गए थे कि चाइना ने कहा था कि हमने ये मीटिंग नहीं करनी और उन्होंने वाकई नहीं की। और लास्ट ईयर नवंबर में बाकायदा डेट भी अनाउंस हो गई थी और उससे कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि सॉरी हम ये इस मीटिंग में जो है हम लोग नहीं आ रहे। तो ये मतलब मसाइल हैं और ये नाराजगी की वजह है। और फिर सोने पे सुहागा जो दासू अटैक हुआ उसके बाद तो चाइना ने कहा कि यार हम शायद दो या तीन ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको वो रन इस वक्त कर रहे हैं प्रॉपरली, मैं कह रहा हूँ, बाकी चीजों पे वो काम नहीं कर रहे। उसके बाद तो उन्होंने मतलब बिल्कुल ही हाथ उठा लिए थे और उन्होंने बाकायदा अपने कैंप ऑफिस को, साइट ऑफिस को ताला लगा लिया था। उन्होंने कहा हम बिल्कुल काम नहीं करेंगे जब तक हमें ये श्योरिटी ना दी जाए कि ये हम हमें आप लोग प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, हमारी सिक्योरिटी प्रॉपर तरीके से होगी। और खैर उस वक्त पाकिस्तान ने एक अनाउंसमेंट की थी कि हम शायद 11 या 12 या 13 मिलियन डॉलर जो है वो देंगे और उसके अंदर कुछ और भी है, वैसे तो गालिबन ये 38 या 37 मिलियन डॉलर की बात थी। लेकिन अभी चाइना ने पाकिस्तान से कहा कि जो 11 या 12 मिलियन डॉलर वो आप उन लोगों की फैमिलीज के लिए वो आप इशू कर दो, और पाकिस्तान ने उसको इशू कर दिया। हालांकि इस तरह की चीजें अगर कह भी दे देते तो मतलब वो मैं क्या कहते हैं उसको, वो कर देते कि यार ठीक है ओके फाइन कोई नहीं, आप लोगों ने अनाउंस कर लिया, ये भी हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन अब बाकायदा उन्होंने कहा कि ये पैसे आप रिलीज कर दें और पाकिस्तान ने रिलीज कर दिए। एक रीजन और भी है और वो है जिस वक्त हम IMF से पैसा लेते हैं तो यहाँ पर चाइना के जो लोन्स हैं उसका भी मार्कअप और ये सारी चीजें जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत हाई है। तो बाकायदा IMF ने एक कंडीशन लगाई हुई हमारे ऊपर कि यार आपने ये वाला पैसा जो आप हमसे उधार पकड़ रहे हो ये CPEC के किसी भी मतलब तरीके से उसमें इसका इस्तेमाल नहीं होगा। ये भी एक मसला है क्योंकि पाकिस्तान ने शायद शुरू में जो गालिबन जो पहली इंस्टॉलमेंट थी या दूसरी थी हमारी 6 बिलियन डॉलर की, तो उसमें से कुछ अमाउंट इस्तेमाल की थी और उस पर IMF ने फिर इनको कहा था कि ठीक है भाई ये तो आपने कर लिया, हमने आपको कहा भी था, लेकिन इस दफा उन्होंने ऐसी कंडीशन लगा ली कि पाकिस्तान की उन्होंने चीखें निकाल ली। अब बात है कि इस वक्त हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है या हमारी डिप्लोमेसी है वो मतलब पिंडी से होकर ही जाती है। तो मतलब मैं ये भी बल्कि मैं ये कह सकती हूँ कि हमारा फॉरेन ऑफिस तो फिजिकली यहाँ पर है लेकिन उसके सारे डिसीजन जो है वो वहाँ से लिए जाते हैं। तो फिर बीच में कम्युनिकेशन और ये सारी चीज़ें जब आ जाती हैं यकीनन गैप आता है। और उसकी वजह ये है कि यार एक मतलब जो फोर्सेस का आदमी होता है, जो फौज का आदमी होता है, किसी भी मुल्क का फौजी हो, पाकिस्तान की बात नहीं कर, उसका माइंड और तरीके से उसको तैयार किया जाता है, उसको ट्रेन किया जाता है। जो आपके ब्यूरोक्रेसी के लोग होते हैं या आपके फॉरेन सर्विसेज के लोग होते हैं उनको और तरीकों से ट्रेनिंग्स वगैरह दी जाती है। तो ये इनका काम है, दूसरा काम उनका है। जब वो इसमें आते हैं तो फिर क्या चीजें होती हैं, फिर आपके सामने ऐसी एग्जाम्पल्स मिलती हैं जो पाकिस्तान आपके सामने, बल्कि मैं कहूँगा एक बड़ी एग्जाम्पल है इस चीज़ की। क्योंकि लोग आते हैं वहाँ पर, फिर फॉरेन ऑफिस ये इंतज़ार कर रहा हो कि यार अब वहाँ से हमें कोई बात आएगी उसका हम प्रेस रिलीज जारी करेंगे, या अगर कोई आपस में मीटिंग्स होती हैं तो यहाँ पे वो कोई बात कर लेते हैं, अगर इनके साथ कोई मीटिंग होती है उसके बाद वो चले जाते हैं वहाँ GHQ में, बाजवा साहब से उनकी मुलाकात होती है। बाजवा साहब से जब उनकी मुलाकात हो जाती है तो यकीनन बाजवा साहब एक फौज के सिपहसालार हैं, एक लीड कर रहे हैं फौज को, उनका मतलब मुझे उनके किसी उस पर वो नहीं है कि वो सोच नहीं रखते या कोई फिक्र नहीं रखते या कोई विजन नहीं रखते होंगे, लेकिन बात ये आती है कि एक यूनिफॉर्म आदमी की और तरह की सोच होती है, एक सेवल जो आदमी होता है उसकी सोच और उनकी सोच में और यूनिफॉर्म के सोच में बिल्कुल फर्क होता है बहुत बड़ा। तो वो फिर क्या होता है, वो वहां जाते हैं, फिर वो बाजवा साहब के साथ उनकी फाइनल डील उनके साथ हो जाती है। उससे मसला क्या क्रिएट होता है, फिर यहाँ वाले बैठे होते हैं कि यार अब हमने क्या करना है, हमने क्या वो चीज करनी है, क्योंकि उनकी जो चीजें फाइनल होती है वो वहां पे हो जाती है। CPEC में भी ये चीज आ रही है और इस हुकूमत में वो गैप जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया और उसके बढ़ने की वजह से ये सारी चीजें जो है सारे काम रुक गए। क्योंकि जब आपकी कम्युनिकेशन ही नहीं होती तो बेशक आप जितने मर्जी आपकी फौज के बीच में अगर कम्युनिकेशन नहीं, जितनी मर्जी अमेरिका की क्यों फौज ना हो, इजराइल की क्यों ना हो, किसी भी बड़े मुल्क की क्यों फौज ना हो,
वो मैं कहता हूं कि वो बिल्कुल जितनी मर्जी ताकतवर और अच्छी वेल इक्विप्ड हो वो नहीं लड़ सकती। इसी तरीके से आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जब आपस में उनकी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है, जो इस वक्त हम बहुत बड़े स्केल पे फेस कर रहे हैं, फॉरेन ऑफिस का हो, हमारे इंटीरियर मिनिस्ट्री का हो, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री का हो, हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं या फौज के लोग हैं उनके साथ कम्युनिकेशन हो, उसमें बहुत एक बड़ा गैप है। और उस गैप की वजह से फिर जो बाहर से कोई बंदा आता है तो ये सोचता है कि यार पहले अगर मैं फॉरेन ऑफिस जाऊंगा तो फिर मैंने वहां जाना है, अब मैंने यहां क्या बात करनी है, फिर मैंने वहां क्या, तो ये सारी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। और उस कंफ्यूजन में फिर क्या होता है, नुकसान एट द एंड किसका होता है, पाकिस्तान का। ये सारी चीजें ऐसी हैं। मुझे नहीं लगता कि इस दौरे से भी जो इमरान खान साहब का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक मुश्किल टाइम से इस वक्त पाकिस्तान गुजर रहा है और जब से तालिबान ने टेक ओवर किया उसके बाद ये पहला दौरा है इस तरह का, तो उस वजह से, क्योंकि प्यूटन से तो टेलीफोनिक रब्ता हुआ था इमरान खान साहब का, लेकिन शी जिनपिंग से मुलाकात होना बाकी, अगर वो मुलाकात करते हैं, मुझे नहीं पता इसका, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि वो किसी से नहीं मिलते, नहीं निकलते, आई डोंट नो क्या वजह है उसकी, लेकिन मतलब अगर मुलाकात उनकी इमरान खान साहब से होती है या नहीं होती, तो इस वक्त एक इशू तो अफगानिस्तान का है, पाकिस्तान के अपने इंटरनल्स बहुत सारे इशू हैं। इसके साथ साथ जो बलूचिस्तान में एक स्पीड हुए हैं अटैक्स के अंदर, एक पेस आया है, तेजी आई है, तो वो भी एक बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। और उसकी वजह यह है कि सीपेक वहीं से स्टार्ट हो रहा है, ग्वादर है, उसमें बलूचिस्तान का बहुत बड़ा एरिया है जहां से उसने गुजरना है। तो ये सारी चीजें, क्योंकि चाइना ने बड़ी गहरी नजर रखी होती है और उनको ये पता होता है कि यार हमने अगर ये 60 अरब डॉलर अभी लगाया तो नहीं है, लेकिन उसमें से जितना भी उन्होंने 10-15 अरब लगा लिया, तो ये सोचते हैं कि यार हमने इसको रिकवर कैसे करना। और सिर्फ ऐसा रिकवर नहीं करना, उन्होंने 4-5% और 6% के साथ ही वो अपना जो पैसा होता है उसमें से वो जनरेट करते हैं। तो पाकिस्तान के लिए इस वक्त तो हालात लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारे अतराफ से बेहतर नहीं नजर आ रहे हैं। इंटरनल सिचुएशन भी एक बहुत बड़ा प्रेशर है, एक्सटर्नल सिचुएशन की वजह से भी हमारे ऊपर प्रेशर है। अफगान तालिबान ने भी थोड़ा सा हमें साइडलाइन दिखाई है, और इसके साथ साथ जो दोस्त ममालिक जिनको मुस्लिम ब्रदर कहा जाता है, मुस्लिम उम्मा सॉरी कहा जाता है, उन्होंने भी काफ़ी हद तक साइडलाइन इख्तियार की हुई है। इस वक्त एक सिंगल मुल्क है चाइना, लेकिन चाइना भी कब तक करेगा, और क्या चाइना के जो लोन हम ले रहे हैं या उनकी चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या हम पे बैक कर सकेंगे आज के 10 सालों बाद, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखते हैं कि खान साहब नया क्या माल वहां से उठाते हैं, मतलब और कामयाब होते हैं कि नहीं, क्योंकि कामयाब दौर हमारे यहाँ उसको कहा जाता है कि भाई वहां पे वो गए और उनसे कम अज कम ना 5-10 मिलियन डॉलर या फिर 1 बिलियन डॉलर का जो है ना वो उठा के अगर लेके आ गए तो इसका मतलब है कि बड़ा कामयाब दौर, और बेशक उसमें कुछ और हुआ हो या ना हुआ हो।